अनुभव है, तो निवेदन है ट्वेल्थ मैन इंगन गादे टीम रंजीत भैया स्पोर्ट्स, आपका ट्वेल्थ मैन। और उसी के साथ गेंदबाजी करने वाली यानी सुमित स्पोर्ट्स इंगन गादे, दो इंगन गादे की टीमें अब एक दूसरे के सामने, तो दर्शकों के लिए काफी बड़ा मुकाबला यहाँ पर जरूर होगा। तो चलते मैदान की ओर, कशमकश से भरी इस क्रिकेट की दुनिया में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। पृथ्वीराज स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एमएलए ट्रॉफी 2019-2020 यानी कि गाड़ी प्रीमियर लीग जीपीएल 2019-2020 का ये तीसरा पर्व यहाँ पर चलता हुआ। तो ट्वेल्थ मैन आपसे आखिरी बार निवेदन है, अगर आपका ट्वेल्थ मैन यहाँ पर नहीं होगा तो आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है रंजीत भैया स्पोर्ट्स, क्योंकि अपोजिट टीम के ट्वेल्थ मैन यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपका ट्वेल्थ मैन भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी है। यदि आपको पैनलाइज किया जाए तो हो सकता है आपकी टीम उस पेनल्टी के रनों की वजह से शायद मुकाबला भी आपको गंवाना पड़ सकता है। तो इसीलिए निवेदन है दोनों ही टीम के कप्तानों से कि अपने ट्वेल्थ मैन को कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। थैंक यू वेरी मच। तो गेम ऑन, मुकाबला यहाँ पर जारी होता हुआ। गेंदबाज जो कि खुद कप्तान है, इस बार पहली गेंद सचिन किरदत द्वारा, पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रह चुके थे, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। दो ओवरों में मैच 16 रन देकर 4 विकेट अर्जित किए थे और जिसमें यकीनन काफी बड़ी विकेट अर्जित किए थे अपने उस प्रदर्शन में। तो पृथ्वीराज इस वक्त ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, उसके पश्चात पृथ्वीराज इस बार देखिए बढ़िया गेंद। तो फिर एक बार यहाँ पर हमारे मंच पर राजवीर भी आ चुके हैं, उनके साथ धीरज भी आ चुके हैं और रणवीर भी आ चुके हैं इस मुकाबले के लिए। शायद सुबह में उनका स्कूल टाइम होता है तो इस वजह से सुबह के मुकाबले के लिए उनकी उपस्थिति नहीं रहती, लेकिन अब धीरज, रणवीर, राजवीर ये सारे हमारे छोटे छोटे दर्शक फिर से एक बार आ चुके हैं। एमएलए साहब के पोते यहाँ पर इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए और क्रिकेट के प्रति काफ़ी दिलचस्पी है उन सब में, अच्छा खासा क्रिकेट भी खेल लेते, शायद गाड़ी के लिए अगले कुछ सालों में ज़रूर उनका भी प्रदर्शन हमें देखने मिलेगा इस मैदान के ऊपर। वो भी उतरेंगे और जब उतरेंगे तो एक बढ़िया खेल उनके माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस फील्ड होता हुआ, खराब थ्रो जरूर, और कप्तान खासे नाराज है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुकाबला अगर अगली टीम को ये मुकाबले का कोई हार या जीत का महत्व नहीं है, लेकिन आपके लिए ये काफी मुकाबला काफी अहम मुकाबला है। इस मुकाबले से आपकी टीम का भवितव्य यकीनन देखा जा रहा है इस प्रतियोगिता में। तो चलते मैदान की ओर, इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे सुरेश मोहिते को खासा मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्म की अगर बात करें तो काफी होनहार खिलाड़ी है, एक बढ़िया ऑलराउंडर के तौर पर इस टीम में उनके चयन किया गया था, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन इस पूरे श्रृंखला में रहे, इसी वजह से टीम जो है कुछ बैकफुट पर इस प्रतियोगिता में जरूर दिखाई देते हुए। इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, हालांकि नसीब अच्छा था, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर लेकर ये गेंद गई लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहां से 4 रन आते हुए इस 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था तो एक दमदार शुरुआत की अपेक्षा जरूर की थी सुरेश मोहिते की। अगर हम बात करें तो सलामी बतौर सलामी बल्लेबाजी इस मुकाबले में मैदान के ऊपर आए हैं, इससे पहले मुकाबले में देखा तो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी की थी, हालांकि ज्यादा गेंदें उन्हें मिले नहीं थी, लेकिन महज एक छक्का लगाया उसके बाद में पवेलियन का रास्ता नाप लिया था। अब यहां से
एक बड़ी इनिंग जरूर खेलनी होगी। 50-55 रनों की अगर इनिंग खेल जाते हैं, टीम को अगर 70-80 के पार लेकर जाते हैं, तो इस मुकाबले में जरूर एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है, एक अच्छा अनुभव मिलेगा। स्काडी प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो साल के 365 दिन जिस प्रतियोगिता का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है, इस पूरे इलाके की ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट मानी जाती है और हर खिलाड़ी का एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है इस श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में कम से कम एक बार खेलने का मौका मिले। तो इंग्लैंड गादी टीम को इस साल मौका मिला था, सुरेश मोहिते को इस साल मौका मिला था इस प्रतियोगिता में खेलने का, लेकिन हालांकि खासा प्रभावित नहीं कर पाए। इस बार गेंद हवा में, काफी बड़ा प्रयास था, काफी अच्छा प्रयास था, आखिरी क्षणों में गेंद जमीन से टकराई। हालांकि फील्डिंग का स्तर अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों में फील्डिंग से थोड़ा जूझती हुई, लेकिन पिछले मुकाबले में हमने देखा क्या बढ़िया कैच लिया था कवर्स की दिशा में, पूरे मुकाबले का जो रुख था वो रुख पलट दिया था उस मुकाबले में कैच से गेंदबाज। फिर एक बार तैयार, इस बार पैडल स्विप किया है, एलिवेशन दिया गया इस गेंद को और दो रन हालांकि बटोर चुके हैं। देखना है फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद पहुंच से बाहर, सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड पर आ चुका है 12 रन। बल्लेबाजी पृथ्वीराज इस वक्त ऑन स्ट्राइक, एक अलग तरह का शॉट जरूर देखने मिला था। इस बार रिवर्स स्वाइप कर दिया है, नो मैन्स लैंड, कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, लगातार आता हुआ ये दूसरा चौका। तो बहुत ही बेहतरीन दुनिया पर डीजे के माध्यम से सौभाग्य डीजे गाड़ी इनकी तरफ से, ये लगातार 8वां दिन है, दर्शकों का काफी अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं अपने डीजे के माध्यम से, क्योंकि जब क्रिकेट का मजा हो और साथ में अगर आपको डीजे के माध्यम से संगीत सुनने मिले तो इससे बढ़िया माहौल और क्या हो सकता है। इस बार गेंद, बढ़िया प्रयास या लगातार ये हाथ से, अब विकेट को लौटना होगा क्योंकि डायरेक्ट हिट की गई, और ये फील्डिंग का स्तर है। जीत के और अग्रसर होने में वो 17 रनों की पारी जो है काफी महत्व रखती थी, तो इस वजह से मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था इस खिलाड़ी को। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है विजय मद ने, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज सुरेश मोहिते। क्या सुरेश मोहिते यहाँ से बड़ी लंबी इनिंग खेलेंगे? एक आध छक्का अगर उनके बल्ले से आता है, मिडल ऑफ द बैट अगर किसी गेंद को लेते हैं, तो यकीनन ये बल्लेबाज आने वाले समय में काफी विस्फोटक बल्लेबाजी जरूर कर सकता है। क्षमता है इस बल्लेबाज में, खासे नाराज है जरूर क्योंकि गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन और गेंद बल्ले का सही तरह से संपर्क नहीं हुआ। आखिरी गेंद पर आता हुआ यह सिंगल, और इस सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुके हैं। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी 8.5 रन प्रति ओवर के औसत से यहां पर रन बना चुके हैं। तो गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं, खुद गेंदबाज कप्तान सचिन किरदत्त फिर एक बार गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे सुरेश मोहिते। तो ये काफी अच्छा मुकाबला अब देखने मिलेगा क्योंकि सुरेश ऑन फायर, सुरेश का बल्ला यहाँ से बोलना काफी महत्व रखता होगा, काफी जरूरी होगा क्योंकि टीम की पोजीशन अगर हम देखें 2 ओवर में मैच 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए, सुमित स्पोर्ट्स के लिए इस मुकाबले की जीत काफी अहमियत रखती है, और अगर इस मुकाबले में अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो
यकीनन काफी दिक्कतें आ सकती है इस प्रतियोगिता में। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, गेंद को बल्ले के पल्ले में लिया और गेंद फेंक को उठाकर फेंक दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कहा था शुरू में ही कि ये मुकाबला अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ है कप्तान सुमित स्पोर्ट्स यानी सचिन किरदत गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, जबकि सामने है बल्लेबाज सुरेश मोहिते। ये बिग फाइट जरूर देखने मिलेगी, लेकिन इस बार देखिए इससे पहले वाली गेंद पर आया छक्का और उसके अगली गेंद पर पेवेलियन का रास्ता दिखाया बल्लेबाज सुरेश कपारी का अंत होता हुआ यहां पर। मोहिते पेविलियन की ओर लौट चुके हैं, यकीनन यहाँ पर जिस उद्देश्य से गेंदबाजी के लिए लाया गया था खुद को कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब कप्तान थोड़ा सा जरूर आश्वस्त होंगे क्योंकि इस मुकाबले में जीत उनकी टीम के लिए काफी महत्व रखती हुई। नथिंग टू लूज फॉर टीम रंजीत, लेकिन इस बार देखिए रिवर्स स्वाइप करना चाहते थे बल्लेबाज अविनाश रणदिवे इस वक्त मैदान के अंदर। तो फील्डिंग का अगर हम बात करें तो देखिए पीछे जो खिलाड़ी मौजूद है वो थोड़े फील्डिंग में कमजोर माने जाते हैं, शायद इसीलिए उन्हें विकेटों के पीछे रखा गया है, लेकिन कभी बल्लेबाज कुछ ऐसे शॉट्स खेल लेता है कि इनको भी काफी खासा मेहनत करनी पड़ती है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और वही मेहनत इस वक्त दिखाई दी फील्डर के माध्यम से। फील्डर अप्पा बाबर देखिए कितने थक चुके हैं वहां पर आने के बाद, थोड़ा सांस ले रहे हैं, गेंदबाज को बोल रहे हैं कि थोड़ा रुक कर इस गेंद को कीजिए, कि सांसें उनकी फूल चुकी है वहां पर क्योंकि इतना लंबा दौड़ नहीं लगाते हैं। लेकिन सोचिए बापू जब आप लंबे लंबे छक्के लगाते हैं तो फील्डरों का क्या हाल होता होगा, तो आप भी बड़े लंबे हिट लगाते हैं इस मैदान के ऊपर। अप्पा बाबर काफी दिलचस्प इंसान है, लेकिन हमेशा स्माइल एक उनके चेहरे पर होती है। और नीलेश सचिन किरदत की अगर हम बात करें तो एक कप्तान किस तरह का होना चाहिए उसका एक जीता जागता उदाहरण, क्योंकि पूरे तरह से गेंदबाजी की बागडोर अपने कंधों पर लेते हुए इससे पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा। इस बार गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को उठाकर खेल दिया वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। भी आ चुके हैं यहाँ पर इस मुकाबले का लुत्फ़ लेते हुए, लेकिन अभी कुछ खासे प्राइजेस उनकी तरफ से आए नहीं है, शायद बल्लेबाजी में प्राइजेस ज़रूर देखने मिलेंगे क्योंकि उनको पता है दोनों ही इंगन गादी की टीमें हैं तो दोनों टीम के समर्थक हैं, और दोनों टीम में से कोई भी टीम अगर जीतती है तो उनको यकीनन आनंद ही होगा, लेकिन अगर सुमित स्पोर्ट्स इस मुकाबले को जीतती है तो ज़्यादा आनंद होगा क्योंकि तो मुकाबले में ज़रूर उनकी टीम। तो इसी बीच ड्राइव कर दिया इस गेंद को, महज 1 रन यहाँ से मिलता हुआ इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, हालांकि 10 रन प्रति ओवर से काफी अच्छा रन रेट की अगर हम बात करें तो रन रेट काफी अच्छा है। आने वाली और 3 गेंदों में अगर 40 रन भी आते स्कोर कार्ड के ऊपर तो 70 के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और 6 ओवरों में 70 रन का अगर लक्ष्य दिया जाए तो हो सकता है इस मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ सकते हैं।
तब गेंदबाजी में तब्दीली यहाँ पर होती हुई, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, सचिन जिन्होंने अपने निजी 2 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर 6 ओवरों का ये मुकाबला है। तो गेंदबाज अब सचिन कदम, एक लेफ्ट हैंडेड सचिन है, एक राइट हैंडेड सचिन है जो कि कप्तान है। सचिन किरदत की अगर हम बात करें तो 2 ओवर उन्होंने किए अपने निजी स्पेल के और एक विकेट अर्जित किया है, एक महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किया है सुरेश मोहिते का। इस बार बैकफुट पर गए, बैकफुट पंच देखने मिला, कवर की दिशा में इस गेंद को धकेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं यहाँ पर आता हुआ, महज 1 रन यहाँ से मिलता हुआ, इसे 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले पारी का 4th ओवर यहाँ पर जारी, गेंदबाज सचिन कदम इस बार देखिए प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेला, इस शॉट को एग्जीक्यूट किया गया कवर्स की दिशा में। हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, जहां पर अच्छी गेंदें आ रही है वहां पर उस गेंद को पूरी सम्मान के साथ खेला जा रहा है, सिंगल्स और डबल्स में ज्यादा विश्वास, लेकिन अब यहां से एक्सेलरेट करना होगा। अविनाश रणदिवे ऑन स्ट्राइक, इस बार भी बचावात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, डिफेंसिवली इस गेंद को खेला, देखा जांचा परखा और उसके बाद इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया सिंगल के लिए। दोनों ही बल्लेबाज आगे आ चुके हैं, सिंगल को यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए गेंदबाज सचिन कदम अपने निजी पहली और टीम के ओर से 4th ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के राइट साइड से गेंदबाजी करते हुए। इस बार देखिए कवर में थोड़ा सा फंबल जरूर होता हुआ, लेकिन रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर, 32 रन टीम का टोटल, 33 माफ कीजिएगा, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड, 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट लगाने का कोशिश जरूर किया था, हालांकि फील्डर पूरी तरह से मिस कर गए थे इस गेंद को, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो ठीक आंखों में, जब भी गेंद हवा में उस दिशा में जाती है तो ये दिक्कत खिलाड़ियों को जरूर, यहाँ से हमने देखा इस श्रृंखला के पहले दिन से ये दिक्कतें फील्डरों को जरूर होती है, जब भी गेंद हवा में जाती है, डीप स्क्वायर लेग हो, फाइन लेग हो या मिड विकेट हो, इस रीजन में जब गेंद जाती है तो यकीनन सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्टली खिलाड़ी की आंखों में आती है, तो उससे कई दिक्कतें जरूर पैदा हो सकती है। इस बार देखिए उठाकर खेलना चाहते थे अविनाश, अब अविनाश को यहाँ से आक्रामक रुख अपनाना होगा अगर अपने टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में देखना चाहते हैं तो। आने वाली 2 ओवरों में अब यहाँ से थोड़ा आक्रामक बल्लेबाजी जरूर करना होगा, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये क्रिकेट का मूल मंत्र है, और अगर आने वाली 2 गेंदों में आक्रामक बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर होती है, हालांकि दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त आपस में, और 5वीं गेंद के लिए अब यहाँ पर लाया गया गेंदबाज सूरज, सूरज बोटकर की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो यकीनन बल्लेबाजों को आउट करने का कोई मंशा नहीं रखते, केवल गेंदे, क्योंकि उनके पल्ले में आती है मैच 6 गेंदे और ऐसे वक्त पर उन्हें गेंदबाजी के तौर पर लाया जाता है जब स्कोर की अगर हम बात करें तो 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो यहां से मुकाबले में एक्सेलरेट करने की कोशिश जरूर की जाएगी। देखिए इस बार अटैक किया गया, रडार में गेंद मिले और इस गेंद को उठाकर फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के साथ। छह रनों के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है बल्लेबाज का, बल्लेबाज ने गेंदबाज का स्वागत किया 6 रनों के साथ। गेंदबाज सूरज फिर एक बार वी टाइम से गेंदबाजी के लिए तैयार, अब खासा दबाव बना चुके हैं बल्लेबाज अविनाश, क्योंकि अविनाश बड़े लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। देखिए अब सही लाइन सही दिशा, यही लाइन और लेंथ के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों को हालांकि परेशानी में ला सकते हैं। जब भी आप गुड लेंथ स्पॉट पर गेंदबाजी करोगे आपको जरूर चौका या छक्का खाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से अगर गेंद को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन, तो ये मैच्योरिटी है इस गेंदबाज के अंदर और देखा उन्होंने बल्लेबाज का स्टैंड। इस बार देखे फिर एक बार वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद,
बल्लेबाज को चकमा देती हुई ये गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, पहले गेंद के ऊपर आए 6 रन, दूसरे गेंद के ऊपर आया सिंगल, और जैसे स्ट्राइक रोटेट हुआ टीम का टोटल स्कोर है 42 रन। पांचवा ओवर पारी का चलता हुआ यहाँ पर, तो किरण गेंदबाज सूरज बोटकर, इस बार देखिए गेंद, और ये गेंद शायद सीमा रेखा को लांती हुई 6 रनों के लिए ओवर द कवर, काफी बढ़िया शॉट। का दूसरा छक्का अब सूरज की गेंदबाजी के ऊपर आता हुआ, इस 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 48, 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 ओवरों का ये मुकाबला। अब देखिए दिशा से भटके, शायद दबाव यहां पर बना लिया है सूरज के ऊपर, तो वाइड आउटसाइड ऑप्शन गेंदबाजी करने का प्रयास था यहां पर, लेकिन दिशा से भटके। हालांकि पहले 4 गेंदों के तुलना में इस गेंद में स्पीड ज्यादा था, लेकिन दिशा से भटके थे। इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक, 2 छक्के जरूर आए इस ओवर में, लेकिन बाकी जो गेंदे, जो गेंदबाजी है, यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, एक हरपन मौला खिलाड़ी है, एक अष्टा पहलू खिलाड़ी है इस टीम के, और काफी कुछ निर्भर करता है, एक आधो वाइड अगर आए चलेगा, लेकिन यहाँ से अब बड़ा माइटी हिट लगाने का प्रयास जरूर किया जाएगा, तो उस प्रयास को विफल करना है आपको। देखिए इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो 18 रन आए इस ओवर से, तो गेम चेंजिंग ओवर रहा, क्योंकि 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, 4 ओवरों की अगर हम बात करें तो 4 ओवरों में 35 रन थे 9 के औसत से, लेकिन अब इस ओवर में आए 18 रन, तो शायद हो सकता है मुकाबले का निर्णय जो भी होगा, मुकाबले का रिजल्ट जो भी होगा, ये ओवर खासा असर करेगा। आखिरी गेंद लेकर आए हैं सूर्या जी सर, इनके हाथ में ये गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, देखिए इस बार वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, अगर आप वाइड यॉर्कर करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको गेंदबाजी करनी होगी। देखिए अंतिम ओवरों में स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट सूर्या जी सर, जो कि अगर पेशे से देखा जाए तो शिक्षक है और खेल से काफी जुड़े हुए हैं, कई मुकाबले उन्होंने भी खेले हैं। इस बार देखिए पिचिंग होने ही नहीं थी, गेंद को हवा में उठा दिया, इस गेंद को लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। सवारी निकल चुकी है बल्लेबाज अविनाश की, क्योंकि अविनाश ने यहां से एक्सेलरेट करने का प्रयास जरूर किया। पहली गेंद हालांकि वाइड यॉर्कर गेंद थी, उस गेंद को बल्ले के पल्ले में नहीं ले पाए, लेकिन दूसरी गेंद पर फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इस बार रिवर्स स्वाइप करना चाहते। देखिए एक सीधे बल्ले से अगर आपको रन आ रहे तो आड़े बल्ले से बल्लेबाजी करने की जरूरत क्या है। यहाँ पर पैडलाइन से गेंद टकराई, शरीर से गेंद टकराते हुए गई सीली मिड ऑफ के क्षेत्र में, तो अब अंतिम ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ। टीम का टोटल की अगर हम बात करें तो इन 6 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 59, 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 6 ओवर का ये मुकाबला है। इस बार देखिए काफी बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर कट कर दिया इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
फोर 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी कुछ गेंदें बची हुई, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, स्लिप कॉरिडोर में गेंद जाती हुई, शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर वहां पर मौजूद है, डॉट गेंद की हुई समाप्ति। तो देखना चाहते हैं क्या आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आएगा, चौका आएगा या आएगा या से विकेट, क्योंकि आखिरी गेंद पर आने वाले रन काफी महत्व रखेंगे। अगर मुकाबला आखिरी ओवर में जाता है तो इस आखिरी ओवर आखिरी गेंद के ऊपर आने वाले जो रन है वो काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि मैच का जो रुख है वो आखिरी ओवर की रनों की तरफ ही ज्यादा करके डिपेंड होता है, निर्भर होता है। इस बार कवर्स की दिशा में खेल दिया, हालांकि एक से ज्यादा इस गेंद के ऊपर नहीं मिलेंगे। आखिरी गेंद पर आए महज एक रन, और इस एक रन के साथ पहले इनिंग की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। टीम का टोटल स्कोर है 65 रन, और जीत के लिए 6 गेंदों में 11 की औसत से अब आपको बनाने होंगे 66 रन जीतने के लिए। तो पहले पारी का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, मिलता है थोड़ा सा समय हमें, तो थोड़े समय के बाद फिर एक बार आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए चलते हैं सुमधुर डीजे यानी सौभाग्य डीजे गाड़ी की ओर। या विभागातील कार्य सम्राट आमदार आदरणीय अनिल रावजी बाबर अर्थातच भाऊ यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आयोजित या भव्य क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय। गार्डी प्रीमियर लीग अर्थातच GPL 2019-2020 पर्व तिसरे, आणि अवघ्या तिसऱ्या पर्वामध्ये मात्र ही स्पर्धा यशाच्या उंच शिखरावरती नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते। अनेक क्रीडा रसिकांच्या मनामध्ये ज्या स्पर्धांना मात्र एक आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलंय, प्रत्येक खेळाडूच्या मनामध्ये या स्पर्धेमध्ये किमान एकदा तरी खेळण्याची संधी आपल्या आयुष्यामध्ये मिळावी अशी ही स्पर्धा नक्कीच आपण पाहतोय। गाडी प्रीमियर लीग GPL 2019-2020 थरार क्रिकेटचा आणि सोहळा आनंदाचा नक्कीच या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणि या विभागातील स्पर्धा मानाची आणि स्पर्धा सन्मानाची म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं, कार्यसम्राट आमदार आदरणीय अनिलरावजी बाबर अर्थातच भाऊ यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आयोजित पृथ्वीराज स्पोर्ट्स च्या माध्यमातून आमदार चषक 2019-2020 अर्थातच गार्डी प्रीमियर लीग ही स्पर्धा आपण पाहतोय। प्रत्येक संघ संपूर्ण ताकदीनिशी, तर विनंती असेल दोनही संघ आपला 12 खेळाडू सामन्याच्या अंतिम चेंडूपर्यंत आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असणं गरजेचं आहे। एक इनिंग संपले की दोनही खेळाडू या ठिकाणी निघून जात आहेत। विनंती असेल सामना संपेपर्यंत आपल्याला समालोचन कक्षामध्ये थांबायचं आहे मित्रांनो। तर नक्कीच जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं। दोन सलामीवीर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये होत आहेत दाखल। सचिन केरदत संघनायक पुन्हा एकदा लीड करत आहेत आपल्या संघाला, आणि त्याच्या समवेत जर आपण पाहिलं तर संग्राम शिंदे आणि सचिन।
तर नक्की जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. आपण पाहत आहोत आमदार चषक 2019-2020 पृथ्वीराज स्पोर्ट्स आयोजित गाडी प्रीमियर लीगचा थरार. तर दोन सलामीवीर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज संग्राम शिंदे मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक दर्जेदार अष्टपैल खेळाडू पहिला चेंडू या ठिकाणी होतोय निर्धाव. विजयासाठी लक्ष गाठायचंय. 66 धावांचा प्रतिषटक 11 सरासरीने मात्र तुम्हाला धावगतीचा पाठलाग करायचाय. पहिला चेंडू निर्धाव गोलंदाज अनिकेतचा जर आपण विचार केला तर सातत्यानं पॉवर प्लेचं षटक हाताळतोय हा गोलंदाज. एक वेगवान तेज तर्रास गोलंदाज आहे. यावेळेस मात्र जमिनी लगतचा फटका. सुपर टायमिंग. क्षेत्रक्षक वेगाना चेंडू वरती येणार परंतु तोपर्यंत चेंडू जातोय सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी. मात्र आल्या 4 धावा आणि या 4 धावांना कॉन्फिडन्स लेवल मात्र जरूर वाढला असेल. या दरम्यानचा चेंडू पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. मिळते संधी दोनही फलंदाजाला. धावा एकवटल्या जात आहेत 2 आणि इथे मात्र एका धावेला संघर्ष करावा लागतोय. एकंदर जर आपण पाहिलं तर 2 ताकदवार संघ परंतु एका संघाचं आव्हान या स्पर्धेमध्ये आलंय संपुष्टात. दुसरा संघ मात्र संघर्ष करताना नक्कीच या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो म्हणजे सुमित स्पोर्ट्स हिंगणगादे हा संघ. यावेळेस मात्र स्लॉट मध्ये चेंडू मिळालाय. चेंडूला मात्र भिरकावून दिलाय सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. नक्कीच यावेळेस मात्र आक्रमणाची धुरा सांभाळली आहे ती फलंदाज संग्रामनं. मैदानावरती मात्र संघर्ष करताना पाहायला मिळाला होता हा संघ परंतु एक षटकार एक चौकार एक दुहेरी धावा आणि एक डॉट चेंडू आतापर्यंतचं आपण गोलंदाजचं पृथक्करण पाहिलं. यावेळेस सन्मान दिलाय चेंडूला. सिंगलनं मात्र स्ट्राईक रोटेट केली गेली आहे. ओळखलंय संग्रामनं की या षटकातील यानंतरचा येणारा चेंडू अंतिम चेंडू असेल. संघनं एक ॲज अ सलामीवीर फलंदाज ॲज अ ओपनर मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खऱ्या अर्थानं संघनायक कॅप्टन. धावफलकाचा विचार केला तर या एका धावेनं 13 धावा धावफलकावरती आल्या आहेत. यावेळेस मात्र सचिन सन्मान दिलाय चेंडूला. पाहिलंय सुरुवातीला जर आपण पाहिलं तर शफल केलं होतं या फलंदाजानं. ऑनसाईडला मोठा फटका खेळण्याचा मानस जरूर दाखवला गेला परंतु त्यानंतर पाहिलं की चेंडू चांगला आहे. त्या चांगल्या चेंडूला मात्र सन्मान दिलाय. केवळ फॉर्मेट डिफेन्सिव्ह फटका पाहायला मिळाला. मिळते एकेरी स्वरूपाचे धाव षटकाच्या अंतिम चेंडूवर आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर मात्र धाव फलकावरती धावा येत आहेत. त्या बिनबाद 14 धावा. बिनबाद 14 ही धावसंख्या धाव फलकावर. यावेळेस मात्र गोलंदाज सावबा गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत. आपल्या वैयक्तिक कोड्यातील पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक. विजयासाठी लक्ष गाठायचंय. 66 धावांचं 14 धावा पहिल्या षटकामध्ये धावफलकावरती उभारल्या गेल्यात. तर नक्कीच गोलंदाज सावबा यावेळेस मात्र धावफलकावरती. धावांचा विचार केला तर 14 धावा आल्या आहेत. फलंदाज सचिन यष्टी रक्षकाकडून होतीये चूक. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू काहीसा लो राहतोय. फलंदाजाला चेंडू चकवतोय त्याचबरोबर यष्टी रक्षकाला देखील हा चेंडू गॅदर करता येत नाहीये. मात्र बॅकअप खूप चांगला त्या ठिकाणी शॉटचा फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक जर आपण पाहिलं तर बॅकअप मिळतोय आणि त्यामुळे ही धाव घेण्याची जी संधी होती ती संधी मात्र परावर्तित करता आली नाहीये. नकार आलाय
फलंदाज संग्रामच्या माध्यमातून यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा मानस आवश्यकता नाहीये. 14 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यात, केवळ सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट करणं आणि संग्राम जो जबरदस्त फॉर्म मध्ये फलंदाजी करतोय त्या खेळाडूला फक्त केवळ सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट करणं ही कामगिरी करावी लागेल. फलंदाज सचिन किर्दत सुद्धा संघनायक आहेत, कारण लक्ष फार मोठं नक्कीच नाहीये. 6 षटकांमध्ये 66 धावा आणि ओपन पद्धतीचं हे मैदान आहे, मैदानाच्या चारही दिशेला धावा आहेत आणि यावेळेला मात्र उसळी घेणारा हा चेंडू आहे, स्वतःला सावरलाय. तिथून मात्र फॉरवर्ड डिफेन्सिव्हली हा फटका खेळला गेलाय आणि हा प्रयत्न सुरुवातीच्या दोन चेंडूमध्ये होणं गरजेचं होतं जेणेकरून संग्रामला जास्तीत जास्त चेंडू फेस करण्याची संधी मिळेल. परंतु उशिरा का होईना संधी जरूर मिळाली आहे संग्रामला. ऑन स्ट्राईक यावेळेस मात्र संग्राम शिंदे. उजव्याष्टी बाहेरचा चेंडू, क्लासिक ड्राइव चेंडू जातोय, वन बाउंस सीमा रेखा पार, 4 धावांसाठी जीपीएल चौका. अप्रतिम संगीत मात्र आपण सौभाग्य डीजे गार्डी यांच्या माध्यमातून जरूर ऐकलं. खऱ्या अर्थानं या स्पर्धांना एक वेगळं स्वरूप प्राप्त केलं या डीजेच्या संगीतानं, क्रीडा रसिकांचं निकळ मनोरंजन. यावेळेस मात्र पॅड लाईनला चेंडू केला गेलाय, चेंडू हवेमध्ये, नो मॅन्स लँड, कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि चेंडू जातोय. अद्याप इशारा आमच्यापर्यंत नक्कीच येणार 6 धावांचा विशालजी नाईक सरांचा. आनंद आमच्या मान्यवर देखील घेताना या स्पर्धांचे आयोजक देखील आपण पाहतोय. आमच्या समालोचन कक्षाच्या ठीक समोर आहेत आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक समाधान आहे, एक अप्रतिम क्रीडा स्पर्धा. यावेळेस मात्र क्लासिक ड्राईव्ह आणि चेंडू जातोय, वन बाउंस सीमा रेखा पार, ही ताकद आहे फलंदाज संग्रामची. थँक्यू थँक्यू. कारण एक महत्वाचा फोन कॉल आहे, जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. या चौकारानं चेंडू जातोय सीमा रेखा पार, या 4 महत्वाच्या धावा आणि या दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय बापूराव चव्हाण आणि सन्माननीय श्रीधर जाधव साहेब यांचं मात्र शुभागमन आमच्या मंचाचे दिसणं होत आहे. तर दोनही मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत आहे. पृथ्वीराज स्पोर्ट्स आयोजित आमदार चषक 2019-2020 पर्व तिसरे ही स्पर्धा आपण पाहतोय. कार्यसम्राट आमदार आदरणीय अनिलरावजी बाबर साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आयोजित ही गाडी प्रीमियर लीगची स्पर्धा आणि मान्यवरांचं मात्र या ठिकाणी शुभागमन होत आहे. त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया आणि इथून पुढे मात्र स्पर्धांमध्ये मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला नेहमीच सातत्यानं पाहायला मिळेल या मैदानावरती. तर नक्कीच या ठिकाणी षटक समाप्त होत आहे, दुसरा आणि 2 षटकांच्या समाप्त्याखेर धावफलकावर धावा येत आहेत. 29 धावा विजयासाठी लक्ष गाठायचं आहे, 66 धावांचा अजूनही 37 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्याकरता. येणारे 24 चेंडू आणि 37 धावा, स्क्रीनवरती देखील आपण हे दृश्य नक्कीच पाहायला मिळेल. 24 चेंडू 37 धावा रिक्वायर्ड 100 जर आपण विचार केला. परंतु ज्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये संग्राम फलंदाजी करतोय या दरम्यान देवदास बापू पवार हिंगणगादे यांचं देखील शुभागमन या ठिकाणी होते. त्यांना देखील विनंती असेल की या आपण आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज सुरेश मोहिते राईट आम ओव्हर. यावेळेस मात्र मोठा फटका जरूर घेतला जातोय, मात्र एलिव्हेशन नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती मात्र मिळते सफलता. फलंदाज सचिन किर्दत बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे
तर नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा मानस दाखवला गेला तर फलंदाज सचिन किरदच्या बॅटमधनं, परंतु सुरेश मोहितेला मात्र मिळतं यश. या ठिकाणी आपण पाहतोय राजवीर, धीरज, रणवीर हे छोटे खेळाडू नक्कीच उद्याचं उज्ज्वल भवितव्य त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. तर जाऊयात मैदानाच्या दिशेनं पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह, गोलंदाजच्या दिशेनं चेंडू टोलवला गेलाय, लॉंगरला प्रोटेक्शन आहे, लॉंगर लॉंग ऑफ खुला केलं गेलाय, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, डीप फाईन लेग हे क्षेत्ररक्षक, त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट आणि शॉर्ट फाईन लेग हे तीन क्षेत्ररक्षक मात्र 38 सर्कल मध्ये जरूर आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑफ फलकाचा विचार केला तर एक गडी बाद 30 धावा ऑफ फलकावरती, अजूनही 36 धावांची गरज. तर 30 धावा धाव फलकावरती आल्यात, अजूनही 36 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्याकरता गोलंदाज सुरेश मोहिते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पंचांच्या डाव्या बाजूनं मात्र गोलंदाजीचा मारा केला जातो. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज सचिन, यावेळेस मात्र लाऊड अपील जरूर पाहायला मिळालं होतं, वेगानं बीट केले गेले सचिनचा. जर आपण विचार केला तर डावखुऱ्या हाताचा विस्फोटक फलंदाज आहे, मागील सामन्यामध्ये सलामीवीर फलंदाजच्या भूमिकेमध्ये या खेळाडूला आपण पाहिलं होतं, फटका खूप चांगल्या पद्धतीने एक्झिक्यूट केला गेला होता परंतु एलिव्हेशन नक्कीच देता आलं नव्हतं. त्यावेळेस सचिन समोर एक चांगला सामना आहे या स्पर्धेतील, जर आपल्या संघाचं आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर मात्र हा सामना जिंकावा लागेल आणि ही जबाबदारी फलंदाज सचिनला मात्र या मैदानावरती नक्कीच साकारावी लागेल. गोलंदाज सुरेश मोहिते, आतापर्यंत सुरेश गोलंदाजी, यावेळेस हा चेंडू आहे टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू लो राहतोय, शफल केला होता फलंदाजानं, अक्रॉस द लाईन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता, पॅड लाईनला हा चेंडू आदळतोय, अगदी निरोलच्या वर हा चेंडू पॅड लाईनला आदळतोय, त्यामुळेच कदाचित पंचाने हा चेंडू आणि हे अपील देखील फेटाळून लावलंय. मेते लेग बायच्या माध्यमातून एकेरी स्वरूपाची धाव धावा येणं हे नक्कीच सुमित स्पोर्ट्स इंगणगादे संघासाठी जरुरी असेल, कारण सामना महत्वपूर्ण आहे. प्रतिस्पर्धी संघाचं आव्हान जरी या स्पर्धेमध्ये संपुष्टात आलं असलं तरी देखील तर नक्कीच आपण पाहतोय आमदार साहेबांचे तीनही नातू यावेळेस मात्र आपल्या या स्पर्धांचा आनंद लुटताना. धीरज आमच्या समवेत जुडले गेलेत, क्रिकेटची खूप आवड आहे, त्यानंतर रणवीर आहेत, राजवीर देखील आमच्या समवेत आहेत, या क्रीडा स्पर्धांचा नक्कीच आनंद लुटतायत. काल देखील या स्पर्धांच्या माध्यमातून त्यांची उपस्थिती आम्हाला व्यासपीठावरती लाभली होती आणि क्रिकेटबद्दलचं प्रेम हे नक्कीच, कारण आपला स्कूल टाईम संपल्यानंतर महत्त्वाचा वेळ आपल्याला या स्पर्धांसाठी देताना पाहायला मिळतात. सकाळच्या सत्रामध्ये नक्कीच स्कूल टाईम असतं, परंतु उद्या संडे आहे, सुपर संडे, या स्पर्धांचा आनंद नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून घेतला जाईल. यावेळेस मात्र शॉर्ट ऑफ लेन चा चेंडू आहे आणि या चेंडूला मात्र फेकून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून, सीमा रेखा पार, संग्रामच्या बॅटमधन जीपीएल षटकार. मात्र शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, या चेंडूला मात्र शॉर्ट ऑफ पुल केला गेलाय, सुपर टायमिंग. क्रिकेटचा क्लास मात्र या खेळाडूचा नक्कीच पाहायला मिळाला. संग्राम शिंदे यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये ऑन स्ट्राईक, एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू. यावेळेस मात्र नक्कीच संधी निर्माण झाली होती, जी रिॲक्शन आपण सुरेश मोहितेची पाहतोय, कदाचित संधी होती यष्टी रक्षकाला हा झेल घेण्याची, मात्र ही संधी गमावली गेली. षटक समाप्त होत आहे तिसरं आणि तीन षटकांच्या समाप्ती अखेर धाव फलकावरती धावा येत आहेत, त्या एक गडी बाद 37 धावा, अजूनही 29 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्याकरता. येणारे 18 चेंडू, 29 धावांची गरज, 18-29 हे समीकरण नक्कीच या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. एखाद गोल्डन षटक
एखाद गोल्डन षटक या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव करण्याची संधी मिळवून देऊ शकतो रणजित भैया स्पोर्ट्स इंग्लंड खाते संघाला. आणि सुमित स्पोर्ट्सचा जर आपण विचार केला तर जोपर्यंत हे दोन सलामी हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तोपर्यंत मात्र विजय हा निश्चित असणार आहे. कारण संग्राम शिंदेचा जर आपण विचार केला तर आतापर्यंत तब्बल 3 षटकार 3 चौकार या फलंदाजच्या बॅटमधून आलेत आणि तब्बल 33-34 धावांची खेळी मात्र या मैदानावरती या खेळाडूंना साकारली आहे. 18-29 हे चिन्ह मात्र आपण नक्कीच पाहू शकतो. या संपूर्ण स्पर्धांचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपण पाहतोय tenniscricket.inच्या माध्यमातून. या स्पर्धा लाईव्ह कव्हर केल्या जातात. संतोषजी नाणेकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही टेनिस cricket.inची वेबसाईट. आणि त्यानंतर मात्र आमच्या समवेत या स्पर्धांच्या माध्यमातून जुळले गेलेत टेक्निकल साईट त्यांच्या माध्यमातून सांभाळली जाते अर्थातच रॉबिन आणि त्याचबरोबर कॅमेरामन एक अप्रतिम कॅमेरा वर्क मात्र ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ते तुषार आमच्या समवेत जुळले गेलेत. त्याचबरोबर या सामन्यांसाठी जर आपण विचार केला तर दोन तज्ज्ञ पंच MCA मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यताप्राप्त दोन पंच आपण पाहतोय. विशालजी नाईक सर अंपायरिंग क्षेत्रामध्ये 15 ते 16 वर्षांचा अनुभव आहे. त्या अगोदर आपण पाहिलं तर मुंबईच्या मोठमोठ्या संघांमधून खेळण्याचा अनुभव. आणि त्याचबरोबर सचिन सांगेकर सरांचा जर आपण विचार केला तर नक्कीच आजही क्रिकेट खेळत आहेत. अंडरआर्म क्रिकेट असो बॉक्स क्रिकेट ज्याला म्हटलं जातं मुंबईमध्ये त्यानंतर ओव्हरआर्म क्रिकेट असो खेळाशी सातत्यानं निगडीत आहेत. आणि त्याचबरोबर अंपायरिंग क्षेत्रामध्ये देखील खूप चांगलं करिअर आतापर्यंत आपण पाहिलं आहे. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा सचिन सांगेकरांच्या सरांच्या माध्यमातून देखील कव्हर केल्या गेल्यात. बाली ट्रॉफी सारखी मुंबईमधील एक मोठी स्पर्धा नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून देखील कव्हर केली गेली. तर जाऊयात मैदानाच्या दिशेनं. गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय आतिश कोळपे. स्ट्रायकिंग एंडला डावखुरे आताचा फलंदाज सचिन कदम नक्कीच मैदानावरती आपण पाहतोय. तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मात्र विस्फोटक फलंदाजी करणारा वैयक्तिक 34 या धाव संख्या साकारणारा फलंदाज संग्राम शिंदे आणि सचिन कदम ही जोडी यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू आतिशचा काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. रिस्ट वर्क जर आपण पाहिलं तर नक्कीच या ठिकाणी एक वेगळा प्रयत्न होता गोलंदाजाचा परंतु हा प्रयत्न फसलाय. आणि पहिला चेंडू नक्कीच या ठिकाणी जातोय अवांतर. अवांतरच्या बरोबरीनं संघ पुढे सरकलाय धावफलकावरती. यावेळेस मात्र बचावात्मक पवित्रा थर्ड मॅन रिझर्व मध्ये हा चेंडू केवळ गाईड केला गेलाय. सचिन ने ओळखलंय संग्राम चांगल्या फॉर्म मध्ये फलंदाजी करतोय. आणि जितका जास्त वेळ संग्राम मैदानावरती राहील स्ट्रायकिंग एंडला तितकाच विजयाचा मार्ग हा नक्कीच सुखकर असेल. सकाळच्या सत्रातील सामना अत्यंत महत्वाचा सामना होता आणि या सामना मात्र इंग्लंड खाते संघानं अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये जिंकला. आणि तिथून मात्र या स्पर्धेतील त्यांचं आव्हान जे आहे ते कायम राहिलं. आणि त्यानंतर मात्र हा सामना जिंकत असताना आपल्या संघाला मात्र एका चांगल्या पोझिशनमध्ये एका चांगल्या स्थितीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न हा सामना जिंकून नक्कीच केला जाईल. कारण पॉईंट टेबलचा जर आपण विचार केला यावेळेस मात्र संग्राम धावंदा विकेट आला आहे. फलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा मानस जरूर होता. षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी सुरू आहे. विजयासाठी 66 धावांचं लक्ष आहे. आणि इथून मात्र जर आपण पाहिलं तर येणारे 16 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. 16-27 हे समीकरण नक्की. चेंडू आणि धावांमध्ये फारसं मोठं अंतर नाहीये. केवळ 11 अंतर जरूर पाहायला मिळतं. आणि क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये सांगायचं झालं तर 11 अंतर हे फारसं मोठं अंतर नक्कीच मानलं जाणार नाही. यावेळेसचा चांगला चेंडू वाती सुरुवात जरूर केली होती खराब वाईटच्या माध्यमातून परंतु त्यानंतर मात्र जो कमबॅक केलाय या गोलंदाजानं वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी. पण सुरुवातीला देखील उल्लेख केला होता की एखादं गोल्डन षटक जर गोलंदाजाच्या माध्यमातून आलं तर मात्र 18-29 हे समीकरण देखील महागात पडू शकतं. इथून मात्र 15-27 हे समीकरण जरूर पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उचळी घेतोय. आपल्या उंचीचा योग्य वापर अतिरिक्त खांद्यांचा वापर जरूर पाहायला मिळतोय गोलंदाज आतिशच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी सुरू आहे. 6 षटकांची लढत विजयासाठी 66 धावांचं लक्ष
आणि प्रत्युत्तर दाखल मात्र धाव फलकावर 39 धावा. या दरम्यानचा चेंडू उजव्या एष्टी बाहेरचा स्क्वेअर कट केलाय चेंडूला, क्लास दाखवलाय क्रिकेटचा चेंडू, सीमार रेखा पार 4 धावांसाठी दर्जेदार जीपीएल चौकार. षटकातील शेवटचा चेंडू आहे, यावेळेस मात्र स्लॉट मध्ये चेंडू सापडलाय आणि या चेंडूला मात्र फेकून दिलाय मिडविकेटच्या डोक्यावरून, सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी जीपीएल षटकार. मात्र पोहोचलाय आपल्या वैयक्तिक 44 या धाव संख्येवर, अर्धशतकापासून केवळ 6 धावा दूर आहे. 12-17 समीकरण नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय. या सामन्यावरती मात्र भवितव्य असणार आहे ते सुमित स्पोर्ट्स हिंगणघाते विरुद्ध रणजित भैया स्पोर्ट्स हिंगणघाते, ही दोन संघांची लढत आपल्याला यावेळेस मात्र मैदानावरती पाहायला मिळते, आजच्या दिवसातील अंतिम लढत. आणि या निर्णायक क्षणाला मात्र गोलंदाजीसाठी पाचारण केलं गेलंय, पुन्हा एकदा गोलंदाज सुरेश मोहिते गोलंदाजासाठी तर सचिन टवकुरे आताचा फलंदाज, यावेळेस मात्र स्ट्रायकिंग एंडला असेल, काय रणनीती असेल सचिनच्या मनामध्ये, 12 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. या फलंदाजामध्ये देखील क्षमता आहे, मोठे फटके याच्याही भात्यांमध्ये जरूर आहेत, परंतु सुरेश मोहितेला काय रणनीती असेल. पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू उसळी घेतोय, क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा मानस होता, लेग बायचा इशारा येतोय, पंचांचा शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू आपण पाहिला. आणि या एकेरी धावेने मात्र 50 धावा या धावफलकावरती पूर्ण होत आहेत, सांघिक अर्धशतक नक्कीच पाहायला मिळते. परंतु एक खेळाडू संग्राम शिंदे स्ट्रायकिंग एंडला आहे आणि 44 या वैयक्तिक धावसंख्येवरती हा खेळाडू खेळतोय, म्हणजे इथून आपलं वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण करण्याची संधी आहे, 16 धावांची गरज. आणि फलंदाज संग्राम शिंदे मात्र केवळ 6 धावा दूर आहे आपल्या वैयक्तिक अर्धशतकापासून, अर्धशतक पूर्ण केलं जाणार आपल्या संघाला विजय मिळवून देणार की या खेळाडूची विकेट मात्र या ठिकाणी गमवावी लागणार. येणाऱ्या कालावधी नक्कीच हे चित्र स्पष्ट आपल्या समोर, परंतु हे वीक कॉन्टेस्ट जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू होता, वेगानं चेंडू फेकला गेला, थोडासा फंबल जरूर पाहायला मिळालाय, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल केला जाणार परंतु नकार आलाय संग्रामच्या माध्यमातून. संग्रामनं ओळखलंय की सामना आवाक्यामध्ये आहे, इथून मात्र नाहक घाई गडबड करण्याची गरज नक्कीच नाहीये. सामन्यामध्ये जर आपल्या संघाला, कारण सामन्यातील विजय हा संघासाठी एक महत्वपूर्ण विजय नक्कीच असू शकतो, येणाऱ्या कालावधीमध्ये जशी ही स्पर्धा पुढे सरकणार तसा मात्र हा विजय निर्णायक ठरू शकतो आपल्या संघासाठी. सुमित स्पोर्ट्स हिंगणघाते विरुद्ध रणजित भैया स्पोर्ट्स हिंगणघाते या दोन संघादरम्यानची लढत मात्र या मैदानावरती आपण पाहतोय. डावखुरे आताचा फलंदाज सचिन, अद्याप जर आपण पाहिलं तर शांत आणि संत संयमी खेळी या खेळाडूच्या माध्यमातून नक्कीच साकारली जाते, मोठे फटके याही खेळाडूच्या भात्यामध्ये आहेत. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग होतोय, चेंडू जातोय सीमा रेखाच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार.
धाव आणि या एक धावेनं संघ मात्र पुढे सरकलाय. धाव फलकावरती धावा येत आहेत 58 आणि वैयक्तिक 45 या धावसंख्येवरती मात्र खेळतोय फलंदाज संग्राम शिंदे. 8 चेंडू 8 धावांची अजूनही गरज हा सामना जिंकण्याकरता. सामना रंगतदार स्थितीमध्ये आहे. इथून मात्र एक चूक संघाला पराभवाच्या दिशेनं जरूर घेऊन जाऊ शकते. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर नक्कीच आठ चेंडू आठ धावांची गरज. गोलंदाज सुरेश मोहिते स्ट्रायकिंग एंडला 45 या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळणारा संग्राम शिंदे यावेळेस मात्र स्लॉट मध्ये चेंडू केला गेलाय आणि षटकारानं मात्र आपलं अर्धशतक या ठिकाणी पूर्ण केलं जात आहे. बॅट उंचावून मात्र क्रीडा रसिकांना अभिवादन जरूर केलं जात आहे. या षटकारानं सामना मात्र आवाक्यामध्ये आलाय. नक्कीच आपल्या फलंदाजीचा दमखम मात्र या मैदानावरती दाखवलाय. प्रत्येक क्रीडा रसिकाच्या उठांवरती फक्त एकच नाव आहे आणि ते नाव म्हणजे संग्राम शिंदे. नक्कीच या ठिकाणी भगवान बापूंचं एटीएम मात्र खुलं झालंय. या चेंडूवरती जर षटकार आला तर 500 रुपयांचा पारितोषिक. नक्कीच भगवान बापू यांच्या माध्यमातून एटीएम खुलं केलं गेलंय. भगवान बापूंच्या माध्यमातून या चेंडूवर जर षटकार आला यावेळेस नो चेंडू आणि चेंडूला मात्र बेरकाव दिलाय. सीमा रेखा पार 6 धावा षटकार.